नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। और आज हम बात करेंगे सीजीएल एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट शिफ्ट जो हुआ है 1 दिसंबर 2022 का। तो कुछ वैसा ही पैटर्न था, कुछ खास चेंजेस मेंस में हुए हैं, पीटी में तो कुछ खास हुआ नहीं और पैटर्न भी सेम प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन था। तो उसके आज हम रिव्यू करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या पूछा गया है ताकि आपको एग्ज़ाम में आने वाले में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को जाया करिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसकी हम बात करेंगे। तो ये है क्वेश्चन कुछ लिस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि पहला हिस्ट्री से क्वेश्चन, लास्ट बैटल ऑफ बाबर कब हुआ था, तो 1529 में। उसी तरह बैटल ऑफ पानीपत 1526, मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन, बैटल से क्वेश्चन एसएससी हमेशा पूछती रही है सेम पैटर्न का, इस बार भी पूछी है। मतलब थीम इंटरनेशनल योगा डे, ये तो योगा से रिलेटेड जो हर एक बार कब मनाया जाता है ये तो हर एक बार पूछते हैं, और इस बार थीम पूछा गया है तो आप देख लेंगे थीम। और भी इवेंट्स के जो जो हुए हैं ओलंपिक्स के, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, जितने भी ओलंपिक्स के हैं आप ध्यान दें, ओलंपिक्स के भी कर लीजिएगा थीम, क्योंकि थीम्स पूछ रहे हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉर्ज मेंडल। हु इज ऑथर ऑफ द बुक प्लेइंग इट बाय माय वे, सचिन तेंदुलकर, काफ़ी फेमस बुक है। बुक्स ऑन ऑथर से भी क्वेश्चन हमेशा पूछती है एसएससी, फिर से वही पैटर्न था पूछी गया। वेर इज बैरन आइलैंड लोकेटेड, अंडमान निकोबार में। विच ट्राइब डज द करंट प्रेसिडेंट इंडिया बिलोंग, संथाल ट्राइब। देखिए ये हमारी जो प्रेसिडेंट है अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो संथाल परगना से असंथाल ट्राइब से आती हैं। तो ये आपको पूछा है मतलब क्वेश्चन, व्हाट इज मेंशन ऑफ है नेशनल फ्लैग का रेशियो, काफ़ी फिक्स क्वेश्चन है ये तो, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। आप एसएससी के प्रीवियस ईयर से भी बना सकते हैं, इससे आपको आइडिया मिल रहा है कि प्रीवियस ईयर से कुछ चेंज नहीं हुआ पीटी में। खासकर मीनाक्षी टेम्पल सिचुएट तमिलनाडु में, विच इज द कंट्री इंडिया हैज ब्रॉट जीता, नामीबिया से, नामीबिया मोदी जी ने अपने बर्थडे के दिन लाया था, ये ध्यान आपसे आपको पढ़ लेना है। तमीम इकबाल इज अ प्लेयर ऑफ विच कंट्री, बांग्लादेश का प्लेयर है। वेर इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट वर्ल्ड, एशिया, ये तो सभी को पता है, पैसिफिक ओशन है सबसे बड़ा और कॉन्टिनेंट में एशिया। एप्पल पाई ऑर्डर आइटम, ये इसका देखिए इंग्लिश का ये क्वेश्चन है, एप्पल पाई ऑर्डर इस आइटम है, इसका क्या मतलब होगा, तो परफेक्टली अरेंज्ड एंड टीडी वाइज का मतलब। विन लॉरियल आइडियम इसका लॉरियल क्या होता है, एक्वायर अचीवमेंट को बोलते हैं। ऑल आइज, ये आइडियम जो है इसका ऑल आइज का मतलब देखें तो वॉचिंग और रेडी टू वॉच समवन विद लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो ये है आपका इसका इंग्लिश का कुछ आइटम्स के क्वेश्चन। तो और मैं दिखा रहा हूँ ये फर्स्ट शिफ्ट का है, पहला शिफ्ट का और भी मैं अपडेट करता रहूँगा, जिस तरह से आप हमारे चैनल के साथ बने रहे बस। और तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है रिबेलियन कट डाउन का है, ये रिड्यूस अमाउंट, ये तो काफ़ी ईजी है। रिबेलियन का एंटोनिम पूछा गया, सिनोनिम एंटोनिम्स आपको प्रीवियस ईयर्स देख लेना है, उससे काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे हैं एसएससी का जो पैटर्न है। एंटोनिम ओबियंस, ओबेडियंस हो जाएगा, रिबेलियंस, रिबेलियन मतलब लड़ाकू, एक तरह से ओबेडियंस में आप देख सकते हैं क्या होगा। वन हु बिलीव्स इन गॉड, उसको बोलते हैं थीस्ट। वन वर्ड आपको ये याद रखना है, वन वर्ड जो वर्ड्स हमें से एसएससी का फिक्स क्वेश्चन है। डैसलर्स का ब्यूटी हो जाएगा, उसी तरह ऑट्रेसिज का एंटोनिम पूछा है। ऑट्रेसिज जो है टू रिफ्यूज होता है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, तो उसका एंटोनिम पूछा गया, तो यहाँ पे ध्यान देकर आपको एक्सेप्ट मारना है। सिनोनिम एंटोनिम आप कन्फ्यूज नहीं करिएगा, सिनोनिम और एंटोनिम में बच्चे कभी कभी सिनोनिम की जगह एंटोनिम लगा देते हैं, एंटोनिम के सिनोनिम। कन्वे का सिनोनिम हो जाएगा कैरी, कैरी होता है या टू मूव, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है, तो इसका सिनोनिम वो जो ऑप्शन में था कैरी सही होगा आंसर। तो ये है फर्स्ट शिफ्ट का पूरा रिव्यू, और सेकेंड शिफ्ट और थर्ड का भी अपडेट मैं तुरंत कर देता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, एसएससी का पूरा अपडेट आपको यहाँ से मिलता रहेगा किस तरह एग्ज़ाम, तो इस तरह से आपको आसानी होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने में। चलिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें।